हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा। हाँ प्यारे पिताजी, हम सभी सेवादार, यहाँ की संगत व यहाँ के कोष आप जी के दर्शनों के लिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बैठे हैं पिताजी। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत भरे अचंभित करते हैं, थोड़ी देर हैं पिताजी, अगर आप जी का क्या है तो पिताजी सुना देते हैं। जयंता जी, जी पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ के लिए आए पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे आपकी। वैसे आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, आप देखें। जी बोलते रहिए बेटा। सहनशाह जी, ये इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। चलो ठीक है, बोलो। हाँ पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ सेवा के लिए आए थे पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे पिताजी। हमने यहाँ 40 किलो के करीब प्याज का एक सीधा था पिताजी। पिताजी हर रोज किलो, डेढ़ किलो, दो किलो सहनशाह जी खर्च हो जाते हैं, और पिताजी प्याज का बैग आज भी आप सहमत से इसी तरह पड़ा है जी। एक पिताजी, जब हम यहाँ आए बाथरूम नहीं था सहनशाह जी, पिताजी हम बाथरूम की जरूरत समझकर यहाँ पिताजी सूखी लकड़ियाँ पुराने टीन चादर थी, हमने पिताजी आप जी को याद करते सूखी लकड़ियाँ और पुराने टीन की चादर से आपकी दया मेर से बाथरूम बना लिया सहनशाह जी। आप जी की महिमा गाते हुए पिताजी कि देखो पिताजी यहाँ भी जंगल में मंगल कर देंगे, सेवादार कहने लगे यहाँ भी पिता कोई ना कोई करना चाहिए, नजारा बन जाएगा। तो पिताजी जब सेवादार सुबह बाथरूम में गए सहनशाह तो देखा रात ही रात सूखी लकड़ी के डंडे पर हरी हरी पत्तियां आ गई। असंभव बात पिताजी, आप जी की रहमत से संभव होती सहनशाह जी। जी एक पिताजी, यहाँ कमरा नीचे से कच्चा था सहनशाह जी, पिताजी कुछ रिपेयर करनी थी जिसके लिए पिताजी हम कुछ ईंटे व 7 प्लाई ईट ले आए जी। मिस्त्री कहने लगा कि ईंटे तो कम पड़ जाएगी, 75 ईंट कम पड़ेगी। पिताजी हमने मिस्त्री को कहा अगर ईंटे कम पड़ गई तो पत्थर लगा लेंगे। तो सहनशाह जी सबने बैठकर गिनती लगाकर सुबह आप जी को याद करके काम शुरू कर दिया पिताजी। पिताजी आपकी ऐसी रहमत हुई, फर्श एक कमरा की बजाय दो कमरों में फर्श लग गया सहनशाह जी। और पिताजी ईंटें भी बच गई। पिताजी प्लाई की जो सीट 7 सीट लेकर आए थे पिताजी, और 7 की बजाय पिताजी सीट भी 8 हो गई सहनशाह जी। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से यहाँ आश्रम वाली जगह में नाम तक का भी हर है। पिताजी आप जी की तरफ से जो सेवा लगी थी अच्छी तरह हो रही है सहनशाह जी, और प्रसाद के लिए मिठाई भी रखी है पिताजी, प्रसाद बना दो सहनशाह जी यहाँ हमारे पास। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना मालिक खुशियां थे। और आप तो जानते ही सेवादार हैं, साई मस्ताना जी महाराज के वचन, सच्चे सौदे की ईंटें सूती हैं, और आप तो ये देखते रहते हैं, सिर्फ ईंटें ही नहीं सारा सामान ही सूता है। आपने देखा उन्होंने कहा एक कमरे की फर्श लगेगी उसमें 75 कम है, जबकि 2 की लग गई फिर भी ईंटें बच गई है। रात को आपने वो बनाया बाथरूम, शाम को लकड़ियों से वहां टेम्परेरी, और सुबह तक उसमें पत्तियां निकल आई। आज तक नहीं होता, हम भी किसान का काम करते रहे हैं, हो ही नहीं सकता महीने दो महीने से पहले ऐसा हो जाए। तो ये बेपरवाही नज़ारे दिखाते हैं, आपको खुशियां दिखाते हैं कि आपसे दूर नहीं है, जो आप सेवा करते हैं उनके पास ही हैं। इसलिए अच्छी अच्छा मांगा करो, मालिक से दुआ करो, सबका भला मांगा करो, मालिक जल्दी पूरा करता है और आपको बेइंतहा खुशियां बख्शता है।
तो आप नजारे देख रहे हैं, देखो आप किसी और बताओगे तो वो पलाई वाला सोचेगा मेरी ले गए, सात की आठ हो गई, वो भी सू गई। तो साईं जी के वचन है ये, लोग अचंबा जरूर करते हैं, कोई इंजीनियर कोई बड़े से बड़ा जानकार बुद्धिजीवी मानेगा नहीं, इंटे भी कभी सूती हैं। तो आपको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इंटे छोड़ पलाई भी सूने लगी है। जो भी सेवा के लिए आप सामान लेके जाते हैं और वो भी कितना कितना बढ़ जाता है, जैसे आपने बोला प्याज लिए थे रोजाना के डेढ़ किलो लगाते हैं, वो उतने की उतनी, तो ये बेपरवाजी का रहमो कर्म है बेटा। वो नज़ारे दिखाते हैं छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े, ताकि इंसान खुशियां ले सके, नज़ारे मान सके। जी बेटा।